नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आप लोग अपने टेलीग्राम से अपना जो हेमेस्टर का जो टोकन है उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं बैंक अकाउंट में एंड में फोन पे गूगल पे एंड यूपीआई के थ्रू। तो चलिए गाइस, हम लोग आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलना जो हेमेस्टर टोकन को विड्रॉ कर सकते हैं जो 26 सितंबर को आने वाला है। तो गाइस चलिए गाइस, हम लोग अपने फोन की स्क्रीन चलते हैं, वहीं पे आपको बताते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो गाइस आप लोग ने किस में अपना अकाउंट लिंक कर रखा है, टेलीग्राम या बायनेंस या बायबिट में, तो गाइस नीचे कमेंट जरूर कर दे प्यारा सा। आप लोगों को कितना टोकन मिला है गाइस उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग नीचे कमेंट में दे दें। तो चले गाइस हम लोग अपने फोन की सिम चलते हैं, वहीं पे आपको बताते हैं। जैसे आप लोग अपने हमेशा कॉम्बेट में आएंगे, एड्रॉप पे आ जाएंगे, आने के बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा टोकन है यहाँ पे मेरे दिखाई दे रहा है। तो गाइस इसको आप लोग कैसे अपने टेलीग्राम वॉलेट से आप लोग बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चलिए गाइस हम लोग विड्रॉल पे आते हैं। जैसे आप लोग विड्रॉल में आएंगे तो गाइस हमारा जो यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है चलिए देखा जाते हैं। एंड यहाँ से हम लोग वॉलेट आने के बाद में गाइस यहाँ पे वॉलेट में आ जाएंगे। वॉलेट में आएंगे तो गाइस आप लोगों का जो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मोर असिस्टेंट। तो गाइस जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस जो आप लोगों का हेमेस्टर का जो टोकन है गाइस यहाँ पे आप लोगों को शो होने लगेगा। गाइस इसके नीचे जिस डॉग का गाइस यहाँ पे टोकन शो हो रहा है गाइस, तो इसका डॉग का जो मेरे पास अभी टोकन होता तो गाइस यहाँ पे मुझे शो हो जाता। एंड गाइस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो है हेमेस्टर का जहाँ पे ये टोकन शो होने लगेगा। गाइस एग्जांपल के लिए हम लोग टोन के कॉइन को ले लेते हैं, चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एग्जाम्पल के गाइस जैसे कि आप लोगों का ये हेमेस्टर टोकन है, तो गाइस आप लोग इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस आप लोगों को यहाँ पे चार ऑप्शन दिख जाएंगे, सेंड, रिसीव्ड, एड क्रिप्टो एंड यहाँ पे एक्सचेंज। तो गाइस यहीं से आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस अभी हमारे पास में जो है हेमेस्टर का टोकन नहीं मिला है। जैसे आप लोग को मिल जाएगा गाइस आप लोगों को ये पॉपअप नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस एग्जांपल के लिए हम लोग बता देते हैं, गाइस साइड में आप लोगों को वीडियो दिख रही होगी गाइस उसमें हम लोग आपको दिखा देते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जैसे आप लोग एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का जो यहाँ पे टोकन कॉइंस है तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को यूएसडीटी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी गाइस आप लोग इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं जो हमारा यहाँ पे हेमेस्टर का जो टोकन है। एंटर करने के बाद में गाइस यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस जो हमारा जितना भी यहाँ पे हेमेस्टर का टोकन होगा गाइस यहाँ पे आप लोगों का मैक्स में क्लिक करेंगे सारा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो गाइस आप लोग एग्जांपल के लिए पहले फर्स्ट टाइम में आप लोग थोड़ा सा टोकन आप लोग यहाँ पे विड्रॉ करें एंड यहाँ पे आप लोग यूएसडीटी में देख लेंगे गाइस आप लोग का इतना यहाँ पे जो यहाँ पे डॉलर बनेगा। एंड यहाँ पे यूएसडीटी में आप लोग देखेंगे गाइस आप लोग का सिर्फ यूएसडीटी सेलेक्ट होना चाहिए गाइस, और कोई नहीं सेलेक्ट होना चाहिए वरना आप लोगों को दिक्कत पड़ जाएगी। उसके बाद में यूएसडी सेलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग कंफर्म करेंगे तो गाइस कंफर्म करने के बाद में गाइस जो आप लोगों का हेमेस्टर का जो टोकन है वो यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। उसके बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे एक्सचेंज आप लोगों का जो है यहाँ पे प्रोग्रेस यहाँ पे 100% यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे यूएसडी भी आप लोगों को शो होने लगेगा। उसके बाद में चलिएगा गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगेगा कन्वर्ट होने के बाद में। गाइस मैं आपको बता दूं गाइस आप लोगों को किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने की जरूरत है गाइस, यहीं से आप लोग अपने बैंक अकाउंट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस P2P मार्केट, तो आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन दिख रहा होगा बाय एंड सेल का, तो चलिए गाइस हम लोग सेल करने वाले हैं। जैसे आप लोग सेल पे क्लिक करेंगे गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे सेलर मिल जाएंगे जो आप लोगों के यूएसडीटी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस चलिए उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली गाइस बात है गाइस यहाँ पे करेंसी में का इंडियन रुपीस होना चाहिए एंड यहाँ पे क्रिप्टो में यूएसडीटी होने चाहिए गाइस, यही बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा चूक गए तो गाइस आप लोगों का जो टोकन है वो बूम हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पे उस सेलर को ढूंढेंगे जो हमारे टोकन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। गाइस यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता गाइस, आप लोग इतना घबराए नहीं कि यहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा आपका टोकन गायब हो जाएगा। गाइस गायब नहीं होगा गाइस अगर आप लोगों का जो सेलर है यहाँ पे ब्लू टिक वाला होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है गाइस। उसके बाद में गाइस हमें वो सेलर ढूंढना है जो हमारे जो टोकन बने हैं गाइस, जैसे कि 4 टोकन से जैसे कि 4 डॉलर से एंड 10 डॉलर है, तो 10 गाइस यहाँ पे उस टोकन को ढूंढना है जो सबसे कम वाला होगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप दिखा रहा गाइस हमारे जो है 5 डॉलर का यहाँ पे देख लीजिए गाइस 1000 से जो 20000 के ट्रांसफर कर सकता है। तो गाइस इस पर आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस हमारा जो यहाँ पे यूएसडीटी शो हो जाएगा एंड उसके बाद में गाइस आप लोग कितनी यूएसडीटी आप लोग यहाँ पे सेल करना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स में लोगों के पास यूएसडीटी होगा गाइस एक बार में भेज लीजिए। मेरा गाइस मानना ये रहेगा गाइस आप लोग पहले
तीन से चार जो टोकन है, एंड गाइस जो डॉलर है वो गाइस पहले आप लोग देख लें कि गाइस आपके अकाउंट में आता है या नहीं आता है, तभी आप लोग गाइस सिक्योर यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में गाइस वहाँ पे आप लोगों को कुछ बैंक का डिटेल मांगेगा, आपके फोन पे गूगल पे जिसमें आप लोग लेना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू, तो गाइस वहाँ पे आप लोग अपना क्यूआर कोड एंड वहाँ पर अपना क्यूआर कोड एंड वहाँ पर अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं। एंड गाइस देना जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अपना कोई भी वहाँ पे यूपीआई आईडी सेंड कर सकते हैं गाइस। उसमें आप लोगों को कुछ ही देर में आप लोगों को वहाँ पर जो है यूएसडीटी का वहाँ पे आप लोगों को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके दे देगा एंड आप लोगों को वहाँ पे मैसेज भी शो हो जाएगा।